भाई जी, मोमिन सही है अभी तक? नहीं, मैं बोर्ड नहीं था, मेरी थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब मैं फॉलो करने लग शुरू कर दिया था जी, पूरा फुल मतलब। हाँ जी, फिर अब क्या हो गया? नहीं अभी मैं आप लोगों को सुनता हूँ जी। मैं कनाडा कनाडा में रहता हूँ जी, और मैं सिख सिख कनाडा वाले बंदे का इंटरनेट सही नहीं चल रहा यार। यार कनाडा वाले हो, तुमको भी इंटरनेट सही नहीं मिलता क्या भाई लोग? क्या मेरी आवाज चली गई भाई? नहीं सर, आ रही है उन्हीं की गई है। रिजवान साहब आपकी आवाज चली गई है भाई। ये सर, अगर हाँ भाई, ओ अच्छा, जब ये स्क्रीन ऑफ होती है तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। एक सेकंड, मैं हाथ रख के रखता हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि मैंने सिख फैमिली में पैदा हुआ था जी, इंडिया में, फिर मैं मूव हुआ यहाँ पे कनाडा में, तो एक लड़की से प्यार हुआ जी, पाकिस्तानी, तो फिर मैंने उसकी उसके लिए करके, वो भी मेरे जैसी थी जी, बहुत लिबरल और पूरी मतलब बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी कुछ भी। फिर जब हमारी शादी हो गई तो फिर एक साल के बाद ही वो पूरी चेंज हो गई, वो तो पूरी ऐसे एकदम ही पूरी रिलीजियस हो गई, पूरी फुल 100%। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे मैं भी हो गया जी। अच्छा, तो पेंसिल छिलवाई थी आपने शादी के नहीं बाद? नहीं नहीं रिलीजियस आप हो गए लेकिन पेंसिल छिलवाई नहीं आप? क्या था जी, पूरा कुरान पढ़ना, ये कुरान सीखनी, अरबी सीखनी, मैंने पढ़ भी लिया एक बार, मेरी इतना वो पढ़ने में मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, पर मैंने ये सीखा था, ये क्या नाम उसका, नमाज पढ़नी सीखी थी, फिर अरबी सीख ली थी पूरी, ऐसा कर लिया था जी। हाँ जी, तो कितने साल आपने एकदम पंक्चुअली आपने इस्लाम को फॉलो किया? 4 साल, 4 या 4.5 साल। 4 साल? हाँ जी, ओके, तो नमाजें भी पढ़ते होंगे? हाँ जी, अब तो नहीं पड़ता जी, पहले। हाँ ओके, अत्तहियात याद है आपको? हाँ जी, सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तैयबातु व सलामु अलैहि व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खा लिए बहुत सारी चीज खा ली आपने। हाँ जी, मैंने 4 साल ही किया जी प्रैक्टिस, अभी जितना याद, और कुछ पूछ ले, और भी कुछ याद होगा कुछ ना कुछ। दरूद इब्राहिमी सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे आप तो आपकी आवाज नहीं आएगी। स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो इसलिए बंद हो जाती है। अच्छा, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला अली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आला इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। आपने तो पूरा दरूद का भी सत्या मार दिया, तैयात का सत्या मार दिया। अरबी हाँ पढ़ना जी, सीखे थे आप? अरबी पढ़ना सीखा था जी, इतनी परफेक्ट नहीं आती पर सीखी थी। अच्छा, अच्छा, चलिए चले, मैं कहना आपके क्या है यार, शायद सामने। मुद्दे भी आ जाएं, छोड़ दें, मुद्दे भी आ जाएं, क्या कहने जाते हैं, अब छोड़ दिया नहीं इसने जी इस्लाम भाई, को। हाँ जी, छोड़ अब दिया छोड़ है। दिया जी। नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि मैं इस स्टेज पे आ गया था कि मुझे वो अपने जो पेरेंट्स नहीं होते जी, मैंने वापस जाना बंद कर दिया था इंडिया में, कि मुझे वो बताते थे कि जैसे तुम इनसे रिश्ता रखोगे, तो मुझे वही बुरे लगने लग गए थे जी एक स्टेज पे। मैंने आपको, अब जब से मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे सारी बातें समझ आई हैं, तो मैंने इसीलिए अभी भी मैं मैरिड ही उसी लड़की से, पर मैंने अभी उसको भी बिल्कुल काफ़ी चेंज कर दिया जी, जैसे 60% तक ऑलमोस्ट। अच्छा, तो वाइफ आपके साथ में है अभी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मैं काम पर हूँ जी बाहर। हाँ अच्छा, चलिए जी, तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको हकीकत समझ में आ गई। आपको समझ में आई, आप इस्लाम से बाहर निकल गए, फंस गए थे आप, और लकीली आप निकल हाँ गए। तो खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। फिर आपकी आवाज चली गई। जी, बस इतनी बात थी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, एक भाई अगर हमारे तरफ से अगर वो इस गंदगी से बाहर आए और अपने माँ बाप की अहमियत को उन्होंने समझा है, तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है?
हम सब एक है। हेलो हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है? ठीक है साहिल भाई, थोड़ा मचान चालू हो गया घर में। ठीक है आप? हाँ हम ठीक, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल बढ़िया सी आ रही है। काहे ज्वाइन किए हो? ज्वाइन इसके लिए किए कि घर में बहुत मचान हो रहा है। मचान हो रहा है? हाँ काहे मचान मच गया है घर पे? घर पे मचान मच गया इसके लिए कि हाँ। मैं वो उस दरख्त का एक ही पत्ता मैं अलग हुआ ना इसके लिए। अच्छा दरख्त का एक ही पत्ता अलग हुआ है तो बाकी पूरे दरख्त को ही चेंज कर दो। अरे नहीं ना, पहले मैं ही सही से हाँ ये उन सब तो मैं तो अब का? उन लोग जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं निकल गया ठीक है, लेकिन मैं घर वाले के साथ रह रहा हूँ ना हाँ। तो घर वाले तो रोज का रोज टेंशन देते और घर छोड़ भी नहीं सकता हाँ। और हमेशा आए दिन आज पर आए हैं? नहीं बात हुआ है ना आपसे? बात हुआ है। अच्छा हाँ। कमाओ विमाओ यार, कमाओ विमाओ कमा तो का... हाँ। और बाल बच्चे को छोड़ दो? नहीं नहीं हम कहाँ कह रहे हैं बाल बच्चे को छोड़ दो, कमाओ धमाओ बाल बच्चों को लो और अलग से घर खरीद के रहो। अलग से तो घर खरीद के रह रहे ना, तो वो तो उसी जगह पे है ना जहाँ पे पूरा मेजॉरिटी मुस्लिम है। हाँ तो वहां से निकलो, कोई दूसरी जगह पे लो ना। अरे तो मेरी घरवाली नहीं मानती ना। घरवाली को समझाओ यार क्या दिक्कत? अरे इतने दिन से तो समझा समझा के वो बहुत रोना रोनी ये वो लगा के रख देती है। सब दिखाता हूँ सब कराता हूँ फिर भी नहीं समझती है। अच्छा सब उसको पढ़ने आ रहा है सब देखने आ रहा है, बोलती है जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, मानने किससे, क्या करेंगे अपने बाल बच्चे को शादी कहाँ करेंगे किससे करेंगे हाँ। अगर हम लोग निकल गए तो कहाँ जाएंगे? अरे तो अभी अगर तो बाल बच्चे बड़े होने तक तो पूरी एक्स मुस्लिम बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो यही सोच रहे कि अभी मैं बच्चे लोग है अगर हम निकल गए तो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या, मतलब कि कौन शादी करेगा हमारे बच्चे लोग से? अरे तो कोई नॉन तो निकल गए हमारा। अरे वही बोल रहे ना कि ये कल से निकलेंगे तो कहाँ किधर के लिए लेके जा रहे? मेरी औरत बोल रही है कि किधर लेके जाने का बताओ। जैसे कि इधर से जैसे मुस्लिम छोड़े तो अभी निकले चलो ठीक हम लोग निकल गए, हम लोग का आभार आधा से ऊपर निकल गया, लेकिन अपने बच्चे लोग का क्या, कहाँ से रिश्ता देखेंगे क्या करेंगे ये पूछती है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, क्या करें आपके बच्चे अभी छोटे है ना? हाँ छोटे 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 है, उनको इस्लाम की गंदगी से दूर रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा अफसर बनाओ, एजुकेशन अच्छी दो, करियर का उनका जो है काउंसलिंग करके अच्छा करियर पे उनको डालो सीखने के लिए, और जब बच्चे अडल्ट हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे और इस गंदगी से बाहर रहेंगे तो वो अपने पार्टनर्स खुद ढूंढ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब समझाता हूँ साहिब भाई, लेकिन क्या बोलो रोज का बस जुमा पढ़ा कर मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, अगल बगल वाले क्या बोलेंगे। हाँ मैं बोला बोलने देना क्या बोलेंगे, हम लोग घर में अंदर है तो नहीं वो पूछेंगे ना कि मोहल्ले वाले। भाई भाभी जी को समझाओ कि सबको बोलना जरूरी नहीं है हमने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, आप अपने घर पे रहो, बच्चों को इनसे दूर रखो, और जैसे कि मैंने अभी बताया सेम चीज रिपीट नहीं करना है, तालीम उनको दो अच्छा, उनको करियर बनाने तो उसके बाद वो करेंगे अपना बंदोबस्त। अभी आप सोचो प्यारे भाई
कि अगर ये सोच के आप अगर उसी गंदगी में रहेंगे, आपके बच्चे वही मस्जिद में जाएंगे, बहुत मुमकिन है कि कोई आतंकवादी सोच का मोमिन उनको अपने जैसा बना के उनको लेके जाएगा किधर, और वो बम पहन के फट जाएंगे। ये मस्जिद में नहीं बेचते, मस्जिद बेहतर है, में ये बेहतर है कि नहीं उसे बेचते। दूर रखा जाए, ये बेहतर है, आप बताइए। जब तक मोहल्ले से दूर नहीं होंगे ना, दूर मोहल्ला दूर हो जाएंगे ना, जैसे कि जो मोहल्ले में हम लोग हैं उस मोहल्ले से दूर कोई सा मेजॉरिटी में जाकर रह लेंगे ना, तो ये कट से निकल जाए। लेकिन अगर इस एग्जैक्टली यही कह रहा मोहल्ला, हूँ। हाँ लेकिन मोहल्ला में रहेंगे ना तो वही वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है हाँ बचपन से इस जगह पे हैं, तो अगल बगल वाला सब जो है वही है, साथ में नमाज पढ़ने जाना, साथ में आना। तो अब जो है कि सोचते हैं उन लोग, कह रहे हैं अब नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। हाँ तो मतलब बहाना है, कह रहे नाइट शिफ्ट था तो सोए हुए, लेकिन ठीक है, इसी वजह तब से तक हम आपसे बहाना कह, भाई इसी वजह से कह रहा हूं ना कि कोशिश करो, हार नहीं मानना चाहिए, है। हिम्मत वाले हार नहीं मानते, कोशिश करते हैं। हम आपकी हार जो नहीं मान रहे, लेकिन मैं अपने घर वाले से परेशान होकर के आ रहा, हारा हारा सा लगता है। वो जब तो ऐसे ऐसी इसी बात वजह से बताते हैं कह ना रहा कि हूं यहाँ पे है, भाई, अकेले हैं, हाँ समाज से क्या अकेले लड़ोगे क्या तुम? हाँ तुम्हारे अंदर हिम्मत है क्या बताने का? मैं बोला नहीं, बताने का क्या जरूरत है, पहले घर का आदमी ठीक हो जाए, बाद में मोहल्ले से क्या लेना देना है। हाँ अगर हम लोग अच्छा रहेंगे तो ये घर में उसको बेच देंगे, दूसरे कहीं जाकर क्या अकेले जहाँ कोई जानता पहचानता नहीं वहां चले जाएंगे। तो बोले कि वहां आपके बच्चे को शादी क्या करेंगे, किससे करेंगे? हमारा जो है टीनेज जो भी मेरा हम लोग का जो पहचान है वो जो है कि मुस्लिम है, ऐसा क्या चेंज कराएंगे? हम तो मुस्लिम ही रहेंगे ना, ऐसा कहाँ कहाँ जाके चेंज कराओगे आप? ये सब बात मेरा दिमाग में डाल के बोले अच्छा मैं इसी वजह से कह रहा कहीं हूँ भी अगर। कि हाँ अरे भाई बोलते ही रहोगे सेम बात, एक ही चीज आते रहेगी। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करके आप सबसे पहले वहां से निकले, कोई नॉन मुस्लिम एरिया में घर ले, और उनको वहां पे जिंदगी जब आपके गुजारेंगे बच्चे और आपकी वाइफ, तो वहां का जो माहौल देखेगी उस हिसाब से वो भी उसमें ढल जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा हाँ आपको, सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ जैसे नहीं नहीं होने वाला। नहीं जैसे कि नॉन मुस्लिम इलाके में जाकर के घर देखते, आधार कार्ड देखते हैं ना तो मुसलमान है, उनको बोले कि हम एक मुस्लिम हो गए, लोग नहीं हाँ बोलो ना देते, उसको, बोले बोलो नहीं हम मुस्लिम इस्लाम लोग। को छोड़ दिया हमने। क्या सबूत है ऐसा बोलते हैं? वो भाई हमसे बात घर कराओ। के लिए तुम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, तो बोलते घर अरे लेने के लिए तुम लोग ऐसा बात कर भाई रहे हो, भाई 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 नहीं भाई, अभी आपके देते पास भाई, घर नहीं सवाल भी, देते इधर। अरे रुक जाओ भाई, आपके पास सारे सवाल भी है, आपके पास सारे जवाब भी है, तो इधर आके सवाल करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब सवाल भी आपके पास है जवाब भी है, आप जाइए कोशिश करिए वहां पे, किधर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी बात कराइए उनसे, हम उनको टेस्ट बता देंगे कि क्या टेस्ट लेना है आपसे, ताकि मालूम पड़े कि आप वाकई में एक्स मुस्लिम है या नहीं है। मिल जाएगा आपको घर, क्यों टेंशन लेते हो, आप हमसे कांटेक्ट करो। आपका कांटेक्ट तो रात में ही होता है ना, दिन में कैसा करेगा? दिन अरे दिन में कर लो में जाते मैसेज पे, बहुत से लोग हाई लिखते हैं, हाई 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 हाई, मैं तो रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। उसके बदले हाँ आप एक लाइन में अपना वहां पे लिख दे कि भाई क्यों आपने कांटेक्ट किया है, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भाई वाकई में जरूरी है मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप ये कर यूट्यूब रहे पे हो, जब अगर आपकी बात वैलिड रहेगी मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो आपको ये यूट्यूब पे ही मैसेज डालने का अरे व्हाट्सएप पे डाल दो भाई, नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, वो, उस पे डाल दो। हाँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप में आपका फॉलो किया हुआ, वो तो मैसेज करने का आता नहीं होता। भाई वो व्हाट्सएप चैनल है, इधर नीचे चल रहा है, उस पे नंबर भी है, उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। जब जाओगे किधर कोई नॉन मोमिन एरिया में, अगर वो आपको घर नहीं दे रहा है तो मुझे कॉल करो, सॉरी पहले व्हाट्सएप करो, और उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ, आपका काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। चाहिए नहीं वो यहाँ पे तो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा मैं ठीक ये व्हाट्सएप।
जी टाइम पास के लिए व्हाट्सएप मत करना, जब जाओगे कोशिश करोगे, नहीं मिल रहा है बोलने के बाद भी तब मुझे कांटेक्ट करना। टाइम पास क्या करेंगे, खुद ही परेशान है घर में, किसी किसी से क्या टाइम पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आप कोशिश करो प्यारा भाई। जी जी कोशिश हाँ करो, जब वो हाँ किधर मामला फंसेगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और आदम भाई को सलाम बोलो मेरा, अभी बात नहीं सुन हुआ। रहे हैं आदम सर, आपको भी सलाम सर। आप तो डर लगता है बात करने, आप बहुत गुस्से वाले। हाँ डरना चाहिए सर, मैं जिन हूँ, मुझसे डरना चाहिए। नहीं सर, मैं हर जो आपका जितना लाइव रहता है ना सब देखता हूँ, लेकिन आप जरा समय भड़क जाते हैं ना, तो इसलिए कभी आपसे बात नहीं की। आपका चैनल भी देखता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं करता बात करने। हाँ सर देख लें ठीक है सर, आप अच्छे रहे आप लोग। डरते रहते हैं सर। हाँ नहीं थोड़ा सा है, नहीं मतलब कि मैं ये नहीं। ठीक है सर, जैसा रहेगा फिर मैं आपको तो साहिल भाई को बताएंगे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा यार मैं बता दू, मैं तभी आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि भाई जो है लोडेड क्वेश्चन के साथ आए थे, लेकिन उनका जो कंसर्न है वो वाकई में जेन्यून है। बहुत सी जगह पे होता है कि जो जो नॉन मोमिन एरियाज होता है वो प्रिफर नहीं करते मोमिन हजरात को घर देने के लिए, और उनका जो रीजन है वो काफी जेन्यून होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका एरिया जो है वो बर्बाद हो जाए। टोटली अग्री विद दैट। लेकिन अब उसमें मसला ये हो जाता है ना कि अब एक्स मुस्लिम फिर जाए कहाँ, वो एरिया में रहे तो एरिया वाले उनको जीने नहीं देंगे ढंग से। हालांकि मैं ये तो मुझे नहीं पता कि ये इंसान जो है कहाँ का है, मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ पूरी इंडिया में, और कई बार मैंने कहा है ये बात कि 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते 5 टाइम की। अब हो सकता है कि कोई छोटा गांव वाव हो 50-60 लोगों का, और वहां पे मालूम पड़ जाता हो, वहां पे इतना इतना दीनी माहौल है उस गांव में कि भाई वो हर एक पे नजर रखी जा रही है, रेयर ऑफ द रेयर केस, तो एक अलग बात है। नहीं तो नॉर्मली 90% मुसलमान जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, और कोई तुमको आके घर से उठा के नहीं लेके जाता। तो अक्सर ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये लोग जो है वो कहते हैं मस्जिद में ये क्यों नहीं आया, वो जो 5 टाइम का जो एकदम नमाजी था, हमेशा नमाज पढ़ता था, वो समझो अगर बात वो अगर बंद कर दे तो हो सकता है कि गांव अपना ये मस्जिद वाले परेशान हो जाए कि भाई ये एरिया में दिख भी रहा है और उसके बाद भी मस्जिद में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इस लेवल का नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, हम 5 टाइम के नमाजी थे, फजर जो है फिर भी बहुत से बार अक्सर बोल लो, बहुत सी बार नहीं अक्सर, हम उसको बाद में कजा करता था। मैं सुबह उठना बहुत भारी पड़ता था मेरे को पहले से तो, लेकिन बाकी टाइम की नमाज जो है वो टाइम टू टाइम अपन पढ़ते थे, किधर भी हो अपन पढ़ लेते थे। अब मेरे जैसा इंसान अगर 5-6 दिन एरिया में दिख तो रहा है बाकी टाइम पे, लेकिन नमाज में नहीं दिख रहा है, तो हाँ बातें चलेंगी कि यार ये क्यों नमाज नहीं आ रहा, क्या शैतान इस पे हावी हो रहा है, क्या इसका ईमान कमजोर हो रहा है। फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उठा के मेरे को मस्जिद तक लेके जाए कि भाई नहीं नमाज पढ़ना पड़ेगा तुम, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई आपको जबरदस्ती उठा के ऐसा लेके नहीं जाएगा इतना एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो मैं मेरे जैसे या उन लोगों के जैसे की बात कर रहा हूं जो हमेशा 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन 90% लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ते 5 टाइम की। तो मोहल्ले वाले को क्या करना है, तुम आ रहे नहीं आ रहे? तो कुछ लोग जो है आके जबरदस्ती का नमक मिर्ची लगा के कहते हैं, ये बात साफ है। अच्छा उसके बावजूद भी कि भाई चलो जुम्मा में नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं आ रहा, अब उसको वहां से निकलना है, तो अब एक और एक मुसीबत एक्स मुस्लिम के लिए ये हो जाती है कि उसको नॉन मोमिन एरिया में घर नहीं मिलेगा, कोई नॉन मोमिन उसको घर ही नहीं देगा।
जल्दी। हर कोई डरता है भाई, इनको हाथ पकड़ाना, उंगली पकड़ाना, ये साला सर पे चढ़ के मुतेंगे ये लोग। तो पहले सोसाइटी में भी वो बोल के रखते हैं भाई, यहाँ पे किसी को घर नहीं देने का, रेंट पे देने का ही नहीं, कोई भी मोमिन रहेगा तो। मेरे खुद के लिए परेशानी हो गई थी भाई, घर नहीं मिल रहा था, बताना पड़ा। घर ही नहीं मिल रहा था, कोई देने के लिए रेडी नहीं है। एक तो आधार कार्ड में मेरी वो आतंकवादी जैसी दाढ़ी है, उसको पासपोर्ट भेज दिया मैं, बोला पासपोर्ट दिखा दे भाई, उसमें वैसी दाढ़ी नहीं है। 5-6 लोग ने मेरे को ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं देने का ही नहीं है, घर ही नहीं देने का। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 1.5 साल मोमिना के घर पे रहा हूं, एक्स मुस्लिम बनने के बाद एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म चलो यूट्यूब चैनल चालू है, मोमिना के घर पे रहा हूं, क्योंकि हिंदू कोई घर देने के लिए ही रेडी नहीं था, मेरे जैसे इंसान को भी, क्योंकि उनको हमने बताया नहीं और बता भी नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं है ना आपके कौन सब जगह बोलने लग जा रहे, यहाँ पे ये बंदा के रह रहा है। तो ये मामला होता है, ये एक जेन्यून प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी है उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई ऐसा एक्स मुस्लिम है वो अगर शिफ्ट होना चाहता है हिंदू एरिया में, और वो वाकई में एक्स मुस्लिम है, जेन्यून एक्स मुस्लिम है, कुछ टेस्ट हम लेंगे, उनके लिए बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि उनको वो माहौल से निकाला जाए। जब नॉन मोमिनों के, एक तो एक्स मुस्लिम जब नॉन मोमिनों के साथ रहेंगे तो उनके बच्चे भी उस गंदगी से पूरे निकल जाएंगे बाहर। हाँ करवा लिया भाई, नाखून से कतना भाई, करवा लिया हूँ चेंज बाद में करवाया मैंने। तो ये चीज होती है, तो कुछ लोग आके अगर कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोगों का वो जेन्यून प्रॉब्लम होता है। ओके, ये कौन है? अल्लाह के बंदे जी भाई, अल्लाह के बंदे। हाँ अनम्यूट कर ले भाई, हेलो। अल्लाह के बंदे। जी, खैरियत है भाई? खैरियत से सर, आप तो एक्स मुस्लिम हो गए ना? मैं एक्स मुस्लिम तो हो गया हूँ, लेकिन यही कुछ बहुत सारे मसले हैं, जैसे इस टॉपिक पे बात हो रही थी, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, और इस तरीके के माहौल से मैं भी निकला हूँ, मैंने भी ट्राई किया है, तो तकलीफ तो बहुत हुई है। लेकिन मेन मुद्दा तो यही होता है ना कि साला घर पे इनको अगर दे दिया रेंट पे, तो ये तो बकरा काट देंगे घर में ही ये भी एक डर होता है, सही बात है, सही बात। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी एक्सपीरियंस, कि 5 में से 1 ने ही हाँ बोला है। बहुत कन्विंस करना तो पड़ेगा। कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि भाई हम ऐसे नहीं है, इस तरीके के माहौल में हम लोग नहीं रहते हैं, हमारा रहने का तरीका अलग है। और जैसे भी आप कह रहे थे कि उसके लिए भी कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, तो वेरिफिकेशन, और आप इस माह मतलब हम कैसे मान लें कि आप इस तरीके से नहीं रहोगे, ऐसा क्या करते हो आप? तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे लोगों का ट्रस्ट भी जीता जाए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? जी, क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, सामने वाले का ट्रस्ट जीतने के लिए, उसको बिलीव कराने के लिए, ऐसा क्या किया जाए जो इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़े, जो आपने भी फेस की है, जो नहीं, बहुत वो सारे किसी लोग को कर जब चुके ऐसा हैं। प्रॉब्लम होगा तो वो हमें कांटेक्ट कर ले, हम उनको बता देंगे, वो टेंशन की बात नहीं है। कोई आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, सपोज क्यों नहीं कर पाएंगे यार, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, कैसे नहीं कर सकते, इतना आसान है कांटेक्ट करना। इंडिया में कहीं भी नहीं आपसे कह रहे हो, बहुत सारे लोग जो आपको नहीं सुनते हैं, जिनको ऐसी सर जो जगह से नहीं मूव सुनते हैं करना वो है। यहाँ पे यूट्यूब पे भी सुन के क्या कर लेंगे, राइट? वही तो बात है भाईजान, आप उनसे रابطہ करवाएं। देर आर सर्टन थिंग्स जो कि ओपनली कहने वाली नहीं होती, देर आर सर्टन थिंग्स जो कि नहीं कहती जाती। अगर वो साहिल को नहीं सुनते तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी इस वक्त नहीं सुन रहे। तो भाई अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है तो आप उनको साहिल का नंबर शेयर देते हैं करना भाई। पड़ेगा, देर आर वो तो मैं सर्टन कर थिंग्स जो कि सकता नहीं ही। बताई जाती ओपनली, इस एडम चीज भाई, को इतनी समझिए शांति से प्लीज। बात जो है ना आपसे नहीं होती, आप गाली गलौज किया करो, बढ़िया लगता है। सर नहीं कर सकता सर,
मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया गाली गलौज नहीं करना अब। ये तो हर साल सबके साथ ऐसे ही होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो जाता है और सुबह उठते ही फिर गाली गलौज पे उतर ही नहीं जाते नहीं मैंने ले हैं लिया कि सर, रेजोल्यूशन ले लिया मैंने अभी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी मैंने पिछली स्ट्रीम में लिया था मंडे को, तो अभी आज। देख लें 2 स्ट्रीम गुजर चुकी है, मैंने गाली गलौज नहीं किया। हेलो एडम हेलो जी, क्या हाल है आपके? जी, मैं ठीक हूँ। मैं जो आपसे बात कर रहे हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। और जी भाभी हम लोग वेलकम। आए थे लास्ट स्ट्रीम पे, बात की थी साहिल भाई से, आप उस टाइम थे नहीं, तो यही सब बात की थी कि मुझे जो इनके रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को शादी के बाद पता चली और जो मुझे सही नहीं लगती थी, तो मैं इनको समझाती रहती थी, बोलती रहती थी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करके काफ़ी हद तक जो है मैंने इनको समझा दिया है, और ये एक्स मुस्लिम अब मेरी तरफ से भी एक बन के तैयार हो गए हैं। वाह वाह वाह, हमारे बेहतरीन। बच्चे भी एक्स मुस्लिम होंगे नहीं, आज ही इनके, भाई आज ही इनके दोस्त का मैसेज आया कि भाई तू अपने बेटे का खतना कराएगा कि नहीं, तो ये उसको कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। हाँ उसे को नहीं, मैं बेटे का अरे खतना क्यों रिप्लाई कराऊंगा? देने की क्या बात है भाई, बोल दो ना करा दिया करके, खत्म करो। नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, पर नहीं मुझे साहिल, ऐसा एक लगता सेकंड है कि एक सेकंड, बात ये साहिल, क्यों? हाँ पहली बात, इसके दोस्त को इतनी इतनी इजाजत ने दी है कि वो इसके घर के, इसके बेटे के बारे में कोई सवाल कर क्यों सके? दैट्स द प्रॉब्लम। अरे नहीं एडम साहब, क्या होता है दोस्ती में ये सब चलता है, ठीक है, कि भाई ये कब बहुत दावत दे रहा नॉर्मल है, है, इसकी कब दावत दे रहा है, उसकी कब ये दावत बहुत दे रहा है, दैट नॉर्मल इज चीज है। नॉर्मल। मैं बोल रहा हूँ कि वो भी और भाई, हमारे इस्लाम में या सॉरी तो सॉरी आप बोल उसे लो या तो मैं अपनी बात रख बताओ। लेता हूँ भाई। थैंक जी आप बोलो भाई। यू। तो एडम साहब वो फिर भी नॉर्मल है, चलो दोस्त में है, हो जाता है, कब दावत दे रहा, किसी को दावत खाने का शौक है इसके लिए बोल रहा है, या नहीं, उसको हमारा मालूम बेटा रहेगा कि भी भाई हुआ नहीं है, हमारा यार बेटा मेरी हुआ बात नहीं है। कोई कंप्लीट, सर, कसम से जी यार जी मेरे जी को जी मेरी जी बात जी कंप्लीट करने दो, जी भाई बोलिए। जी मेरी बात कंप्लीट होगी मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, आपको मौका मिल जाए। जी 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 अच्छा, अगर उस दोस्त को मालूम है कि भाई ये इनकी वाइफ जो है वो नॉन मुस्लिम है, हो सकता है ये उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा, उसके वजह से भी हो सकता है वो रीचेक करे, मैं बोलता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर आपको दुनिया को नहीं बताना है कि आप एक्स मुस्लिम हो चुके हो तो ठीक है ना, बोल दो हाँ हो गया, वो बस क्लोज फंक्शन रखे थे, बात हो गई, खत्म हो गई बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, एक तरीका तो आप वाला है साहिल साहब, जी बिल्कुल ठीक है, हाँ ये आपके वाला है, ये शरीफ लोगों का सर झुका के बोलने वाला तरीका। और एक तरीका है मेरे वाला, और मेरे वाला तरीका हाँ ये है, अब ये भाभी ने और भाई ने आपस में डिसाइड करना किस तरीके पे जाते हैं, दोनों तरीके मौजूद हैं। मेरा वाला तरीका ये है कि कोई मुझसे पूछता है इस किस्म का सवाल, तो मेरा जवाब ये होगा, भाई तूने खाना खाना ना, बता कहाँ खिलाऊं, तूने खाना खाना ना, ये बता कहाँ खिलाऊं, वहां मैं तुझे खाना खिला देता हूँ, लेकिन हाँ मेरी पर्सनल घर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, आज के बाद मुझसे ना पूछी, तेरी मेरी दोस्ती है, वो तेरी और मेरी दोस्ती है, यहां तक है, इससे आगे मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन तूने दोबारा पूछनी नहीं है मुझसे। मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, 4 दीवारी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। तूने खाबा खाना है तो बता, जो खाबा खिला देता हूँ, अपने 2 दोस्तों को भी ओढ़ लिया, उन सबको भी मिलकर खिला देता हूँ, मगर आज तूने पूछा, दोबारा कभी ना पूछी मैं बेटे के साथ क्या कर रहा हूँ, अपनी तरीके से ये सवाल नहीं होने चाहिए हमारे दरमियान, ये वाले, दैट इज माई लाइफ, कब करूंगा क्या करूंगा कैसे करूंगा, अपने फैमिली के दरमियान करूंगा सब लोग, वो इट हैज नथिंग टू डू विद यू। साहिल साहब ये होती है हार्ड लाइन, और जब तक आप हार्ड लाइन ये बंदा नहीं बोलेगा ना, मेरे जाती तौर पे ख्याल के मुताबिक आपका तरीका भी ठीक है, लेकिन वो ये होगा, हाँ अभी क्या दोनों पता है, तरीके अपन ने बता दिए हैं, अब वो भाई के ऊपर है कि क्या करना है। तरीके दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन एक वो तरीका ये भी है कि तुझे क्या अपनी बेटी भी आनी है मेरे बेटे से। बदतमीजी है, वो बदतमीजी है, तरीका वो बदतमीजी है, ठीक है, वो दैट इज दैट बदतमीजी है, लेकिन बहरहाल दीज आर द टू मेथड्स, क्योंकि देखिए साहिब वाले तरीके में ये होगा कि आज एक चीज है कल दूसरी चीज पे सवाल करेगा, फिर आप उसे नया झूठ बोलेंगे, फिर दोस्ती वो तीसरी हमारी चीज पे सवाल ऐसी है ना, करेगा, फिर आप नया झूठ बोलेंगे। सो बिना यू गाली नीड टू गलौज के बातें अंडरस्टैंड एंड नहीं होती। थिंक कि किस लेवल तक आपने जाना है उसके साथ और कितना जाना है, सो ये आपके ऊपर, अपने ऊपर, आप दोनों मिलके बैठ कर डिसाइड कीजिएगा आपने किस लेवल पे बात करनी है।
अच्छा पर वो बीच बीच में इन्हें फोन करके, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसकी बीवी नॉन मुस्लिम है, तो वो हर फ्राइडे को कॉल करके इन्हें गालियां देते हैं, तू जा नहीं रहा नमाज पढ़ने, और बीच बीच में इनको, मतलब मेरे को ऐसा लगता है दावत देते रहते हैं, थोड़ा उंगली मारते रहते हैं, थोड़ा गुस्सा दिलाते रहते हैं। So then he needs to give him a shut up call, just like I just told him how to do that. So he has to eventually give him a shut up call. Eventually is type ki jis tarah maine kaha hai, us tarah se ek shut up call deni padegi usko, taaki wo ungal dena band kare. Varna jhuk ke baat kar le 2-4 mahine, agar nahi chalta to fir eventually to deni padegi, aaj nahi to kal deni padegi. To bajaye iske kisi din ye gusse mein aake bole aur bahut zyada bol jaye, kyunki jab banda gusse mein bolta hai to bahut zyada bol jata hai. उससे बेहतर है कि शटअप कॉल तरीके से अभी दे दी जाए. वंस अगेन दिस इज नॉट ए गुरु एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम मी, क्योंकि मैं बहुत सख्त हूं बाज मामलात में और हर कोई मेरे जैसा नहीं चलता अपनी लाइफ में. तो चूंकि मैं अपनी लाइफ में चंद मामलात में बहुत सख्त हूं, तो इस वजह से मैं कर सकता हूं ऐसा, लेकिन हर किसी के अंदर इतना पानी नहीं होता कि वो इस लेवल पे आके बोल सके. सो थिंक व्हाट यू नीड टू डू, टेक योर टाइम एंड देन मेक अ डिसीजन एंड डू दैट. हेलो, नहीं मुझे ऐसा लगता है वो दोस्त है मेरा और हमारी बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है और बचपन का दोस्त है और सारी चीजें हमारी एकदम एक्सट्रीम चली जाती है, जैसे दोस्तों में चली जाती है, बिना गाली के बात नहीं करते हम लोग. तो इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो